अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हमेशा कोई ना कोई तड़कता भड़कता सॉन्ग लाते रहते हैं। आहा, बहुत चंगा नाम है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले सारे गामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था, जिस गाने का नाम है आरा में। तो दोस्तों, इस गाने को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने मिलकर गाया है और दोस्तों वास्तव में यह गाना बहुत बढ़िया है। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। इसीलिए दोस्तों, इस गाने पर अभी तक 13 मिलियन व्यूज आ चुका है और यह गाना अभी भी यूट्यूब के म्यूजिक चार्ट में ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, तो दोस्तों ऐसे में ही खेसारी लाल यादव का एक और नया गाना आने वाला है, जिस गाने का नाम है नागिन। यह गाना दोस्तों 23 मार्च सुबह 7 बजे आप सभी को सुनने को मिल जाएगा, वो भी सारे गामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। बजाओ ताली। और दोस्तों, सारे गामा भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इस गाने का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है, वो भी 21 मार्च के ही दिन। और तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस गाने के टीजर को नहीं देखा है तो एक बार आप लोग इस गाने के टीजर को जरूर देख लीजिए, क्या टीजर बनाया है इन लोगों ने। अरे बहन चो, मदर डेयरी कहाँ कहाँ ब्रांच खोल के रखी है। तो दोस्तों, अगर हम इस गाने के टीजर को देखकर यह अनुमान लगाएं कि यह गाना कैसा होने वाला है, तो आपने खेसारी लाल यादव का पुराना गाना जिसका नाम है 2 घूंट, इस गाने को तो आपने सुना ही होगा। इस गाने में खेसारी लाल यादव और नम्रता मन्ना ने बोल्ड सीन दिखाकर खूब धमाल मचाया था। You are right, bro. तो दोस्तों, ठीक उसी तरह से इस गाने में भी धमाल मचने वाला है। बस दोस्तों, फर्क इतना सही है कि खेसारी लाल यादव के उस गाने में बोल्ड सीन करने वाली नम्रता मल्ला थी और खेसारी लाल यादव के इस नए गाने में जिसका नाम है नागिन, इस गाने में जो बोल्ड सीन कर रही है उनका नाम है श्वेता शर्मा। तो दोस्तों, अगर हम इस गाने के टीजर की बात करें तो दोस्तों, जब हमने इस गाने के टीजर को सुना तो उसी वक्त मेरे मन से खाली एक ही शब्द निकला। तो दोस्तों, इस गाने में जो मुझे सबसे अच्छा चीज लगा वो है इस गाने का म्यूजिक, और दोस्तों दूसरा चीज जो इस गाने में मुझे सबसे अच्छा लगा वो है इस गाने की हीरोइन। और दोस्तों, तीसरी चीज जो मुझे इस गाने में सबसे अच्छा लगा वो था इस गाने का बैकग्राउंड सेटअप। और दोस्तों, चौथी चीज जो मुझे इस गाने के टीजर में सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो थी इस गाने की वीडियो क्वालिटी। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। जब जब दोस्तों आप इस गाने के टीजर को देखोगे या आप जब जब इस गाने को देखोगे और सुनोगे, तब तब आपके मन में इस गाने के वीडियो क्वालिटी को देखकर एक ही शब्द निकलेगा, मतलब आह 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 स्वर्ग है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस गाने का रिव्यू वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही भोजपुरी से रिलेटेड वीडियो लाते रहें। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।